नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अर्षिता बघेल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अखंड रामायण पाठ के आयोजकों में सरपंच तमन्ना खान के साथ पूरा खान परिवार शामिल रहा। इस पूरे अखंड रामायण कथा में नदना तहसील के साथ ही आसपास के गांवों से 5 से 6 हजार लोग शामिल हुए। शिवपुरी के ग्राम नदना में अखंड रामायण अनूठा रहा। यहां मुस्लिम महिला सरपंच और उनके परिवार ने मिलकर अखंड रामायण का पाठ करवाया और इसकी समाप्ति पर प्रसाद के रूप में विशाल भंडारा हुआ। इस भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह पहली बार था कि रामायण पाठ के बाद सभी धर्म के लोग भंडारे में शामिल हुए थे। जानकारी के अनुसार पिछौर के नदना तहसील से अभी हाल ही में तमन्ना खान सरपंच चुनी गई हैं। पद मिलने की खुशी में सरपंच तमन्ना खान ने सबका शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी पंचायत में अखंड रामायण पाठ का आयोजन करने का फैसला किया था। यह आयोजन ग्राम नदना में काली माता मंदिर पर रखा गया, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। वाव, के लिए मैंने भावना अपनी रखी कि अखंड रामायण करवाऊं और भंडारा भी करवाएं और एक देश में भाई भाई का चा मोरा है, भाई बंदी कोई ऐसा ना दुरुपयोग हो। आप जनपद सदस्य भी रह चुके? हाँ, जनपद सदस्य हूँ। दूर में भी आप इस तरह के आयोजन करवाते रहे? हाँ, छोटे छोटे करता रहे करते। हाँ, अब इस बार बड़ा आयोजन? हाँ, जो बड़ा हो गया। अच्छा, सुना है वो माता की मेहर भी है, कभी कभार वो आपके ऊपर आती है और गांव के बारे में मतलब वो कोई संकट पड़ता है, जैसे हमारे गांव पे ओले मोले गिरते हैं, कभी पूरा गांव इकट्ठा होता है। जब कुछ हम सबकी खुशी रखने के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव वाले खुश रहें। जिससे मैं पहली बार अपने गांव से सरपंच बनी हूँ ना, तो मेरे गांव वाले सब लोग खुश रहें। और ये रामायण करने का वो सब कुछ ऐसे किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको सद्भाव खुश रखने के लिए किया है मैंने। आप रामन इसमें सरपंच आप पहली बार बनी है कि पहले भी बनी है? नहीं सर, पहली बार। पहली बार। आपके पिताजी भी राजनीति से जुड़े रहे हैं? हाँ, पहले से जुड़े हैं हमारे पिताजी तो राजनीति से, पहले जनपद सदस्य रहे। किस पार्टी से जुड़ी हैं? हम कांग्रेस वाले। अच्छा, जी रामायण जैसे हुई तो आपने रामायण सुनी, कुछ उससे प्रेरणा ली? हाँ सुनी सर। उससे क्या प्रेरणा मिली जो आपको मुख्य मतलब भाईचारा होना, भाईचारा और एक मतलब कुछ सब कुछ ज्ञान अच्छा मिला। अच्छा, आप बहुत बड़ा भंडारा करा रही हैं 7-8 हजार लोगों का, तो ऐसा आगे भी कराएंगी कि बस पहली इसी बार कराएंगी? ऐसा कुछ नहीं है सर, कभी जब भी इच्छा होगी जब भी करवा देंगे। पाठ भी कराएंगे रामायण का? अच्छा, यहाँ मंदिर क्यों चुना, काली माता का मंदिर? आपके गांव में भी कोई मंदिर होगा? नहीं, एक हमारा खेरे में माता है ना, तो वही सबको लिए काली माता का अच्छा।